एक बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा कि समस्त ग्रंथों में सभी देवी देवताओं का वर्णन है, पर आज श्रीमाता जी निर्मला देवी का उसमें हमने अभी तक कोई वर्णन नहीं सुना है। मैं एक जगह एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि रिडीमर हैज नो फेस। रिडीमर का मतलब होता है एक उद्धारक, जो संसार में आता है वो बारंबार, कितने सारे उद्धारक आए पर एक उद्धारक का कोई एक चेहरा नहीं होता। अब ये जो कलयुग है ना, उसमें कोई एक फेस नहीं होगा, ये सारे चेहरे आपके परमात्मा के बनाए हैं। इस समय न जाने कहाँ कहाँ से खोज करके ये आत्माएं आई हैं। तो मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि एक समय आएगा जब आपका ये कृतयुग, ये जो चल रहा है समय बदलने का जो ज्वाइंट है, इसके बाद आपका सतयुग ही जो आएगा तो वो फिल्टर करके आएगा ना। इतने सारे लोग रोज जा रहे हैं, समूह में जा रहे हैं, तो वो फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है? महामाया। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता, ये मुझे पता है, पर महामाया का जिक्र कितनों को पता है? तो जब आप महामाया के जिक्र में जाओगे तो उसमें ये होगा कि महामाया यानी एक स्त्री स्वरूप आएगी और वो ही सबको बचाएगी, क्योंकि वो मदर पावर है, वो माँ है। तो माँ अगर एक ही स्वरूप में आ जाएगी ना, तो आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि तो महामाया है। आपको अगर मैं ना जानूं कि आपकी क्या खासियत है, आपके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं तो समझूंगी कि भाई ये एक आके बैठ गई है लेडी और इनका ये नाम है, मुझे क्या पता वो आके बैठ गया, वो एक नाम है। लेकिन जिस समय हम उनके बारे में जानना शुरू करेंगे तो उनके गुणों के बारे में हम परिचित होते चले जाएंगे। तो हम लोग का परिचय कुछ इस तरह से हुआ कि हमने ये ढूंढा कि हम इस दुनिया में कर क्या रहे हैं। चारों तरफ माया ही माया है। हम लोग इतना मंदिरों में गए, मस्जिद गुरुद्वारा, हम लोग सब जगह गए हैं ना, लेकिन हमको हमारे ही प्रश्नों का समाधान कभी नहीं मिला। कुछ प्रश्न हमारे अनुत्तरित रह जाते हैं, तो उसको देने के लिए कौन बताएगा? कोई आपका गुरु होगा, गुरु बताएगा, लेकिन वह गुरु कौन होगा? कैसे हम इसको पहचाने? तो इस तरह से पहचान बनाने के लिए ही श्री माता जी का रिविलेशन हुआ और उन्होंने ये बताया कि जब तक आपके भीतर कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा, तब तक आप लोगों के प्रश्नों के समाधान नहीं मिलेंगे। अब कुंडलिनी कहाँ है, कौन बताए? वो महामाया बता रही है। तो उसमें लिखा है कि ये जो आपका सहस्त्रार है, ये जो लिम्बिक एरिया, ये महामाया का क्षेत्र है, बाकी सारा एरिया माया है। तो माया से महामाया में बिठाने का काम श्री माता जी निर्मला देवी ने किया है। और आप उनके चेहरे को नहीं पहचान सकते हो ऐसे। कब पहचानोगे? जब आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाएगी। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो आपके भीतर षड चक्र का भेदन हो जाता है, और जब वो कुंडलिनी आत्मा पे आती है, हमारा चित्त सुंदर करती है, स्वस्थ करती है, और बाहर के विकारों से जब दूर हमको ले जाती है, तब हमारे हृदय में प्रस्फुटित होती है वो आत्मा की सुगंध, और उसके बाद वो आपको ले जाती है आपके सहस्रार पे, और वहाँ जो महामाया का क्षेत्र है, वहाँ 1000 पंखुड़ियों का ऐसा कमल दल है जो इस तरह से बंद है, नीचे की तरफ झुका हुआ है। लेकिन जब कुंडलिनी आपके नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं तो ऐसे ऐसे करके वो खुल जाती हैं, और ये जो लिम्बिक एरिया है, जो बच्चे का सहस्रार लप टप करता है, वो बाद में 12 साल में बंद हो जाता है। उसको खोलने वाले बिरले ही आए, वो आए केवल एक गुरु, एक शिष्य, और फिर वशिष्ठ मुनि ने चारों भाइयों को आत्म साक्षात्कार दिया कुंडलिनी जागरण के द्वारा। ये आप लोगों ने देखा होगा रामायण। अब आपको कौन देगा? मैं भी बहुत जगह देख रही हूँ कि लोग बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आपके कुछ रोग भी हरते हैं, पर आपको नहीं पता कि रोग किस तरह से हरा जा रहा है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। कहीं तांत्रिक में चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, आपको उसका भान नहीं हो रहा है। आप कब बनेंगे अपने मास्टर? आप कब बनेंगे अपने डॉक्टर? आप कब बनेंगे अपने पंडित? तो जब आप बन जाएंगे तो आपको कौन बहका सकता है, कौन फुसला सकता है? तो ये जागृति की बात ज्ञानेश्वर महाराज ने पहले गोरखनाथ जी से पूछी थी, मच्छिंद्र नाथ जी से पूछा था कि क्या मैं इस पर बात करूं, क्योंकि मच्छिंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी को बताया। ये नाथपंथी लोगों का ही कमाल, कुंडलिनी जागरण। तो जब ज्ञानेश्वर महाराज के पास ये बात आई तो उन्होंने कहा ये इतनी सुंदर चीज़ है, ये कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, तो क्यों ना इस कस्तूरी को सबको दे दिया जाए कि देखो तुम्हारे भीतर ये गुण बसा हुआ है, आपके भीतर कुंडलिनी माँ अवस्थित है, जन्म जन्मांतर से अवस्थित है, तुम उसी को ढूंढने के लिए बार बार पैदा होते हो, फिर बार बार चले जाते हो। तो अब की बार तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो छठवीं शताब्दी चल रही थी, तो उनके गुरुओं ने कहा कि नहीं, नहीं समझ में आएगा, ये समय है ही नहीं,
तो एक समय आएगा जब महामाया के द्वारा ये चीज़ बताई जाएगी और उस महामाया को हर कोई नहीं पहचानेगा। अब तो ये बात आ गई कि आप उस फेस को नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जब आपकी कुंडली का जागरण हो जाएगा तभी आप उस चेहरे को पकड़ेंगे कि ये कौन है। और कैसे पकड़ेंगे? जब कुंडली का जागरण हो जाता है तो आपके मूलाधार में, माने एक मूलाधार एक त्रिकोणाकार अस्थि है, उसमें ही आपकी अपनी माँ हर जन्म में आती है, शरीर देती है, बनाती है और सारी संस्था बनाती है, यहाँ से भेद करके प्राण प्रतिष्ठा करेगी 2.5 से 3 माह में। उसके बाद वो 3 नाड़ियों का चमत्कार, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये सारे गुण आपके भीतर वो भरती है। भरने के बाद एक एक अंग प्रत्यंग बनाने के बाद वो नीचे जा कर के आप ही के सैक्रम बोन में, ट्रायंगल जो स्पाइन के नीचे बिल्कुल होता है ट्रायंगुलर बोन, वहाँ जाके वो बैठ जाती हैं। 3.5 कुंडल में बैठी होती हैं, इसीलिए इनको कुंडलिनी कहते हैं। और वो माँ हैं आपकी, आपकी एक जन्म की माँ आपको याद है पर हर जन्म की माँ आपको नहीं याद है, लेकिन ये माँ आपको हमेशा याद रखे हैं। तो हमारा एक सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर है, उसके ऊपर ये मांस मज्जा ये हाड़ सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हमारा एक सूक्ष्म शरीर है जो मेरे शरीर के छूटने के बाद मेरे साथ इस आत्मा के साथ चलायमान हो जाता है। वहाँ कुंडलिनी होती हैं, आत्मा होती है और सूक्ष्म शरीर होता है। तो ये तो एक कथा है जिसको हमको अब समझना पड़ेगा। तो श्रीमाता जी जब आए तो उनके एक कटाक्ष से ये उनको आशीर्वाद है ना। अब आप मैथमेटिशियन हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे हिंदी साहित्य अच्छे से बता दो तो गड़बड़ा जाएगा मामला, और हिंदी साहित्य का जो व्यक्ति बैठा है वो मुझे केमिस्ट्री बताने में असहज महसूस करेगा। तो यानी जिसका जो गुण है वही वो बताएगा, अथॉरिटी। तो एक IAS ऑफिसर IAS बन सकता है, लेकिन वो IAS का टीचर नहीं बन सकता, टीचर बनने के अलग गुण होते हैं। तो श्रीमाता जी के अंदर वही गुण है कि वो एक कटाक्ष से हजारों लाखों की कुंडलियों को उन्होंने उत्थित किया, जिसके फोटोग्राफ्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमने कह लिया सुन लिया, और फोटोग्राफ्स के अलावा, उस प्रमाण के अलावा हमारे पास अनुभूति है, वह अनुभूति हमको लेनी पड़ेगी। उसी के लिए हमको बस सहयोग समझना है कि कौन कौन से हमारे चक्र हैं, कहाँ से कुंडली माँ उठती है, कहाँ कहाँ जाती हैं। और आप लोग जो अगर कहीं विज्ञान के विद्यार्थी होंगे तो आपको DNA के बारे में पता होगा। DNA का टेस्ट ऐसा होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता। तो किसी की हत्या हो जाती है, किसी का बच्चा हो जाता है, कोई कह देता है कि मैं माता हूँ, ये पिता है, तो उनके DNA से पता चल जाता है। ये DNA क्या चीज़ है, कभी इसको सोचने की जरूरत, आध्यात्मिक तरीके सोचिए। DNA कौन है? आपके भीतर बैठा हुई परमात्मा की वह शक्ति है जो सारी सच्चाई आपको बताएगी। कुंडलिनी माँ कौन है? आपके भीतर बैठी हुई वो CCTV है जो आपके प्रत्येक कर्म को वो देख रही हैं। दुनिया को नहीं पता, लेकिन आपको, कुंडलिनी माँ को पता है कि मेरा बच्चा कहाँ झूठ बोला, ये मेरा बच्चा कहाँ गलत किया, और उसका परिणाम वो सजा का तैयार है। वो प्रकृति माँ है, वो तैयार कर चुकी। अब आपको कुछ इस समय सजा मिलेगी, कुछ आगे मिलेगी, जिस तरीके से कुछ आपने अच्छे कर्म भी तो करे होंगे, तो अच्छे कर्म को भी तो पुरस्कार मिलेगा। तो पुरस्कार और सजा दोनों साथ साथ चलता रहता है। और हम तकलीफ में तब आते हैं जब हमको सजा दिखती है, तो कहते हैं ऐसा मैंने क्या किया, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। तुमको नहीं पता, कुंडलिनी माँ को सब पता है। तो गुनाह का जो है, जो सजा है, वो पहले से तैयार है, अब हमको फेस करना है। तो हम लोग जो साधक लोग बन जाते हैं, हम प्रभु का नाम रखते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अपने कर्म को अब कैसे। आपकी बात रिकॉर्ड करना चाहती, ये भेज दूंगी मैं आपको। मैं अपने कर्म पे कंट्रोल कैसे करूं? एक साधक का बस इतना ही नाम है। आप क्यों प्रभु का नाम ले रहे हो? क्योंकि आप अपने को साधना चाहते हो। बस मेरा दुनिया से हो गया, हमने इतनी चीज़ें देख ली, समझ ली, सुन ली, सह ली, अब बस करो। तब तो आप कलेक्टिव हो रहे हो ना, आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हो, बिल्कुल करो। लेकिन भगवान भी कुछ बोल रहे हैं, उसको सुन रहे हो? नहीं, टेलीफोन कनेक्शन कटा हुआ है। आप यहाँ से हेलो हेलो कर रहे हो, उन तक नहीं बात जा रही है, उनके बात हम तक नहीं आती। हम में से कितने लोग हैं जो परावाणी समझ रहे हैं? हम परावाणी नहीं पकड़ पा रहे। परावाणी इस सहस्त्रार से हमारे भीतर डाली जाती है, हमारे नाभि क्षेत्र तक पहुंचती है, ब्रह्मांड से आती है, और हमारे लक्ष्मी नारायण की शक्ति हमारे नाभि चक्र पे होती है, वहाँ पर यह परावाणी होती है। परावाणी यहाँ से ऊपर उठती है, हमारे हृदय जगत में आती है, जिसको हम मौन कहते हैं। और मौन स्पंदन होता है लप टप लप
टप प्रतिपल वो हमसे संवाद करना चाहते हैं, पर हमारी स्थिति वो नहीं है कि माँ संवाद कर सके। उसके बाद वो उठते हैं, आपके वाणी में आते हैं, वैखरी जिसको बोलते हैं, और यहाँ से पता चलना चाहिए मुझे क्या बोलना है। तो आप परामाणी समझोगे नहीं तो बोलोगे क्या? तो इसी कंठ से हम लोग गलत शब्द बोल रहे हैं, हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं, हम गालियाँ दे रहे हैं, हम इसको अशुद्ध कर रहे हैं, और इसका नाम जानते हैं, ये हमारे शरीर का पाँचवा चक्र है जिसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। और इस विशुद्धि चक्र को हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको शुद्ध 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 बोलना है। विशुद्धि का क्या मतलब होता है? वेरी प्योर। तो हम उस प्योरिटी में है ही नहीं। तो ना हमने परामाणी समझी, ना हमने मौन स्पंदन समझा, ना मैंने अपनी वैखरी को संभाला, तो हम तो नित्य पाप कर रहे हैं ना। नित्य दिन हम किसी को क्लेश पहुंचा रहे हैं, हम व्यंग कस रहे हैं, हमको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल हमको अपने ऊपर तभी आएगा जब कुंडलिनी माँ का जागरण होगा। कुंडलिनी माँ के जागरण से ही हमारे छह चक्र ऐसे हैं। मूलाधार चक्र माँ के नीचे है, उसके बाद हमारे जंघे के पास स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके बाद नाभि चक्र है, ये अनाहत है, हृदय चक्र, ये विशुद्धि है, ये आज्ञा है, और ये सहस्त्रार है। ओके, अब जो हमारा मूलाधार चक्र है, कौन प्राप्त करता है ईश्वर को, ये पहली बात जानना हमको बहुत जरूरी है। जो लोग पवित्र होते हैं तो सबसे पहले हर कोई जब प्रभु का नाम ले तो जरूर कुछ पल अपने भीतर झांक कर देख ले क्या